हेलो दोस्तों, आप सभी का धीरज फोटो एडिटिंग में स्वागत है। आज जानते हैं इस फोटो को हम किस प्रकार से एडिट करें। तो आइए चलते हैं हम पी एस टच ऐप में, आपको ले चलते हैं। पी एस टच में आने के बाद आपको, मैंने पहले ही से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको अगर वीडियो का बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता होगा तो हमारे चैनल पर जाएँ, और मैंने बढ़िया सा वीडियो बनाया है किस तरह किस प्रकार पी एस टच में प्रोफेशनल तरीके से कि बैकग्राउंड को इरेज किया जाए। चलिए हम चलते हैं एम्प्टी इस वाले लेयर पे। इस वाले लेयर पर क्लिक करके हम एक ठो अपना ये बैकग्राउंड हम ऐड कर दिए थे। बैकग्राउंड ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए वो ऐड करने के बाद आपको यहाँ से इफेक्ट्स वाले आसन में आके गार्सियन ब्लर को ब्लर कर देना होगा। देखिए ब्लर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड, उसके बाद से आपको डन कर देना होगा। मैंने डन कर दिया है, आप डन मत कीजिए, आप डन कर दीजिएगा। उसके बाद इस फोटो को हम लोग ओपन करेंगे ऑटोडेस्क स्केच बुक में। इतना फोटो एडिट हो जाने के बाद आपको शेयर करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक में, नहीं शेयर करना है उससे पहले आपको स्नैपशीट में शेयर कर लेना है। स्नैपशीट में थोड़ा सा प्रोसेस है वो करेंगे। स्नैपशीट में जाने के बाद आपको टूल्स वाले ऑप्शन में आना है। टूल वाले ऑप्शन में आकर ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। ट्यून इमेज पे आकर आपको एम्बियंस को थोड़ा 57 या 58 के अराउंड रख लेना होगा। 57 58 रखने के बाद आपको सेलेक्टिव टूल में आना है। सेलेक्टिव टूल में आने के बाद आपको फेस पे थोड़ा लाइट दे देना होगा। लाइट देने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको सिंपली शेयर कर देना है ऑटोडेस्क स्केच बुक में। चलिए हम लोग शेयर कर देते हैं इस फोटो को। लाइट ऑटोडेस्क स्केच बुक में ओपन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको स्मज नाम से एक ब्रश है, ये रहा स्मज, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद जो भी नया ऑटोडेस्क स्केच यूजर है वो कभी भी फ्लो को 2% और स्ट्रेंथ को कम कम के ही चलाए, नहीं तो फेस पे पोता जो फेस है वो गड़बड़ हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी आप नए ऑटोडेस्क स्केच यूजर हैं तो कम ही करके चलाएं। चलिए हम लोग फेस को अपने साइज को अपने हिसाब से रखिएगा, धीरे धीरे हम पेंट करते हैं। सिंपली आपको अपने फ़ोटो को जूम करके पेंट करना होगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए आइए हम वीडियो को स्किप कर देते हैं, जल्दी से फ़ोटो को स्मूथ कर देते। आपको फ़ोटो को बढ़िया से स्मूथ कर लेना है। अगर स्मूथ करना नहीं आता होगा आपको तो हमें बोलिएगा, कमेंट करिएगा, हम स्मूथ करने का बढ़िया तरीका बताएंगे, फिर आपको वीडियो बना के देंगे। और जो भी मैंने बैकग्राउंड यूज किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इसको ऑटोडेस्क स्केच बुक में हम ओपन करते हैं इस फ़ोटो को। हेलो दोस्तों, इस फोटो को लाइटरूम में ऐप में ओपन करने के बाद आप जानेंगे कि इस प्रकार से फ़ोटो को एडिटिंग कैसे करें। तो आइए चलते हैं हम अपने लाइट वाले ऑप्शन में, जो यहाँ पे है लाइट वाला ऑप्शन, उस पर आप क्लिक करके कंट्रास्ट को आप +10 रखेंगे और हाईलाइट को -26 रखेंगे और शेडो को 43 रखेंगे और वाइट का +22 रखेंगे और ब्लैक को -32 रखेंगे। उसके बाद से कलर वाले ऑप्शन में आएंगे। कलर वाले ऑप्शन में आएंगे, वाइब्रेंस को आपको 61% करना है और सेचुरेशन को -10% करना है। फिर मिक्स वाले टूल पे आ जाएंगे हम लोग। मिक्स वाले टूल पे आने के बाद आपको पहले रेड वाले को ह्यू 25 कर देना है और फिर से दूसरे वाले पे आना है। दूसरे वाले आने के बाद आपको ह्यू +11 रखना है और सेचुरेशन -14 रखना है और ल्यूमिनेंस रखना है 39। फिर से थर्ड वाले ऑप्शन में आना है। थर्ड वाले ऑप्शन को ह्यू 85 रखना है और सेचुरेशन 35। ग्रीन वाले में आने के बाद ह्यू को 100% कर देना है माइनस और अगले
अगले वाले सेचुरेशन को 87% कर देना है, और इसमें आने के बाद ब्लू में आने के बाद आपको 40% या 50% कर देना है। 50% करने के बाद थोड़ा ल्यूमिनेंस बढ़ा देना है। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आकर थोड़ा सा सेचुरेशन 25% रख देना है, इसको 44% रखना है। 44% करने के बाद आपको डन कर देना है। 44% करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको क्लियरिटी ऐड करना है। क्लियरिटी ऐड करेंगे आप 30 या 30 तक रखेंगे, क्लियरिटी को आप ऐड करेंगे 13 तक, और डीहेज को आप 4 या 6 6 रख सकते हैं आप। उसके बाद से आपको विगनेट थोड़ा ऐड करना होगा। विगनेट को आप थोड़ा सा ऐड करके फेदर को 100% कर सकते हैं। 100% फुल कर देना है फेदर को। उसके बाद से डिटेल में आना है। डिटेल में आने के बाद आपको शार्पनिंग 50% कर देना है। 50% करने के बाद देखिए आपको फोटो में कितनी क्लियरिटी आती है। 50 या 60% आप रख देना है आपको। 60% रखने के बाद आपको नॉइस रिडक्शन को 15% और कलर नॉइस रिडक्शन को आपको 20% कर देना है। इसके बाद से आपको जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में जाना है आपको। ग्रेडिंग में, ग्रेडिंग में जाने के बाद आपको शेडो को ह्यू का इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ह्यू को 26 रख देना है और सेचुरेशन को 20। फिर से चलते हैं मिड टोन में। मिड टोन को आपको ह्यू रखना है 33 और सेचुरेशन रखना है 26। हाईलाइट में जाना है, हाईलाइट को आपको 202 हाईलाइट का ह्यू और सेचुरेशन 20। उसके बाद से डन कर देना है। डन करने के बाद से आपको मास्किंग में आना है। मास्किंग वाले ऐप में आने के बाद आपको देखिए, मास्किंग वाले ऐप में आने के बाद आपको आपके कपड़े के ऊपर हल्का फुल्का ब्रश चलाना है। वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, कमेंट करिए कि कैसे कपड़े पर चमक लाया जाए। तो इसके बाद से हमारा कंप्लीट हो गया एडिटिंग। उसके बाद से एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सिंपली देखिए ये बिफोर ये आफ्टर, उसके बाद हमको सेंड कर देना है, सेव कर देना है, एक्सपोर्ट अस पर क्लिक करके सेव कर देना है फोटो को।